हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपको रीडिंग मॉड्यूल पर भी एक लाइव क्लास चाहिए, तो आई एम प्रेजेंटिंग क्रुणाल, जिसके पहले 5.5 बैंड थे रीडिंग में, अभी उन्होंने 7 पे जंप कर लिया। उनकी कितनी स्कोर थी पहले, कितने अटेम्प्ट थे, क्या ट्रिक्स यूज की, क्या टाइम टेबल फॉलो किया, वो सारा कुछ अब आप हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो सॉरी एक्चुअली जब यूट्यूब लाइव होते हैं तो कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है, इसलिए वो इको हुआ। ओके फाइन, आई वाज सेइंग कि कुरनाल आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से ट्रिक्स फॉलो किए, क्या वेज फॉलो किया, जिसकी वजह से उनके 5.5 से 7 स्कोर हो गई, प्लस अपना टाइम टेबल शो करेंगे, शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे, कौन से टाइम पे, कौन से वीक में, कैसे वो प्रैक्टिस करते थे ना प्रॉपरली, वो फॉलो करे, आप भी कर सकते हो, उस वे से ही आपकी स्कोर भी इम्प्रूव हो सकती है। प्लस उन्होंने क्या क्या गलतियां की जो आप अवॉइड कर सकते हो, और क्या ऐसी चीजें थी जो आप भी फॉलो करोगे तो आपके डेफिनेटली 7 स्कोर आ सकते हैं, और इवन 7 से ज्यादा भी आ सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। अभी काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम कुणाल। थैंक यू मैम। यस मैम। अभी आप, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर करके स्टूडेंट से जो शेयर करना चाहते हो कर लेना, और सारा डिटेल में बता देना ताकि स्टूडेंट्स के फटाफट 7 बैंड आ जाए, और ओके उनके कमेंट्स भी रीड करके उनको रिप्लाई करते रहना ताकि उनको प्रॉपरली फीडबैक मिलता रहे, कोई कंफ्यूजन हो वो ना रहे। ओके मैम। चलो, आई एम मेकिंग यू होस्ट ऑफ दिस मीटिंग। यू कैन शेयर एनीथिंग, यू कैन शेयर स्क्रीन ऑफ योर लैपटॉप और कंप्यूटर, अपना टाइम टेबल, एवरीथिंग यू कैन शेयर। ओके ओके मैम। ओके स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम रीडिंग का कैसे 5.5 कोई स्टूडेंट्स के आ रहे, कोई स्टूडेंट्स के 5 बैंड्स आ रहे, तो उसे जंप करके हम 7 बैंड कैसे ला सकते, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा चीजें बताऊंगा कि ये करने पड़ेगा आपको, और उसके बाद मैं पर्टिकुलरली हर टॉपिक के आपको ट्रिक्स दूंगा, टिप्स दूंगा कि ये आप करोगे जो मैंने यूज की थी, और मेरे विद इन अ 1 मंथ और 1.5 मंथ में मेरी रीडिंग पूरी की पूरी चेंज हो गई, इम्प्रूव हो गई उसके बारे में। तो सब लोग सबसे पहले मेरे को कमेंट्स में बताओ कि रीडिंग में 7 या 7.5+ बैंड लाना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज है वो जिससे हमारे 7 और 7.5 बैंड आ सकते हैं, जो अच्छे से हो सकता है। तो सब स्टूडेंट्स सबसे पहले पार्टिसिपेट करोगे, कम्युनिकेटिंग करोगे, तो मेरे को पता चलेगा कौन से स्टूडेंट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मेरे को आप बताओ कि रीडिंग में कौन सी चीज आपको परेशानी करती है और कैसे 7.5 बैंड आ सकते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला है, जसप्रीत सिंह ने, वोकेबलरी, अंडरस्टैंडिंग, वॉके प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, वॉके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ओके अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वॉकेब और सिनोनिम्स आने चाहिए। पर मैंने भी, जैसे आप सब लोगों ने ये सब चीजें कंसल्टेंसी वाले सिखाते होगे, IELTS कोचिंग वाले टीचर्स सिखाते होगे, मैंने भी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया था, बट मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ तो इंग्लिश मेरे को डायरेक्टली तो समझ में आ नहीं जाएगी, और जब सिनोनिम्स हाई वोकैब आएगी, हाई सिनोनिम्स आएगी, तो आपको तो पता है वो चीजें कहाँ से जाती है, सिर के ऊपर से चली जाती है, जैसे आप सबको पता है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो तो आप सबसे पहले नोटबुक में ये नोट कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के आप भले आपकी वॉकेब अच्छी है, भले आपका अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा है, कुछ भी अच्छा है, तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए डिसिप्लिन। सेकेंड थिंग, अगर आपके 5 बैंड आ रहे हैं, 5.5 आ रहे हैं, आप 6 तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपसे सबसे दूसरी वाली चीज चाहिए वो है मोटिवेशन। बिकॉज विद इन मोटिवेशन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बंदा है उसका या बंदी है उसका 5.5 बैंड आ गया, दूसरे दिन बोलेगा यार मैं कितनी भी प्रैक्टिस करूं मेरे बैंड नहीं आते, तो मैं पढ़ना क्या हो जाता है, छोड़ दूंगी, या फिर आगे का क्या करती, 1-2 दिन नहीं करते वो इंसान, और फिर तीसरे दिन चलते। तो ऐसा नहीं चलना है,
आपको 1 month में कम से कम 25 to 30 रीडिंग सॉल्व करने ही करने। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली एक दिन कर लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन किया। डेली आपको एक रीडिंग करना है। डेली आप रीडिंग करोगे तो पहले तो आपका डिसिप्लिन क्रिएट होगा, सेकेंड थिंग आपका क्या क्रिएट होगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। क्या आपको पता चल जाएगा कि ट्रू फॉल्स में आंसर कहाँ छिपे हुए होते हैं, नॉट गिवन में आंसर क्या हो सकता है। एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता रहेगा आपको, मल्टीपल चॉइस क्या आएगा। फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे फाइंड करने से इजी वे से मिल सकती है। तो फर्स्ट मेरी थिंग से क्या आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। डेली आपको एक टास्क करना ही है और वो एक टास्क करने के बाद उसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में कैसे करना है, मैं अपनी नोट आपको अभी शेयर कर रहा हूँ कि मैं अपनी नोट्स इस तरह से बनाता था और इस तरह से मैं सॉल्व करता था। आई होप आपको ये बड़ी अच्छी लगेगी और बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि मैं नॉलेज में तो मानता ही मानता हूं, पर कोई भी चीज टेक्निक से करो, डिसिप्लिन से करो तो वो बहुत इजी हो जाती है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो स्क्रीन शेयर की है उसमें मैं आपको बताता हूँ मैंने जैसे डेली असेसमेंट कैसे किया था। तो आपको नई स्क्रीन सब लोगों को दिख गई, पहले मेरे को कमेंट्स में बता दो नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने नई स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है आप सब लोगों को। तो उसमें मैंने मार्क्स लिखे 40, 39 के 9 बैंड से, 38 to 37 के बैंड से, ये सब बताया मैंने। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये है मेरा रीडिंग डेली असेसमेंट। सपोज ये 7 डेट है, 7 to 13 डेट है। तो 7 to 13 डेट में क्या है कि मैंने मंडे 7 डेट है, ट्यूसडे 8 डेट है, वेनसडे 9 डेट है। तो मैंने ऐसे टॉपिक्स के नाम बना दिए। टॉपिक्स का नाम क्या है देख लो, लिस्ट ऑफ हेडिंग। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा मेरे लिस्ट ऑफ हेडिंग मंडे को 13 थे। मतलब मैंने जो 40 मार्क्स का पूरा टेस्ट दिया रीडिंग में, उसमें से 13 हेडिंग आए थे, उसमें से हेडिंग मेरे को खाली 6 ही आ रहे थे। फिर ट्रू और फॉल्स उस दिन मेरे को 4 मिले थे, तो 4 में से 4 ट्रू फॉल्स मेरे को सही पड़े। फिलिंग्स मेरी 12 सही थी, 12 दी थी उसमें से 8 मेरी सही थी। एमसीक्यू मेरे को 4 ही मिले थे उस दिन, और 3 क्या थे मेरे सही पड़े थे। क्वेश्चन मेरे 3 थे उसमें से 1 फाइंडिंग, यानी वो नहीं होता है कोई इंसान बोल रहा है ये किसने बोला है किसने सुना है वो वाले सेंटेंस, या फाइंड करके लिखना होता है, वो 4 में से 4 कंप्लीट है। कंप्लीट सेंटेंस मेरे सब सही पड़ते थे। और ये सेक्शन वाइज मार्क्स है। सेक्शन वाइज मार्क्स में क्या होता है कि यहाँ पे 9, 7 और 9, मतलब ये फर्स्ट सेक्शन के मार्क्स है, सेकंड सेक्शन के मार्क्स है और थर्ड सेक्शन के, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आप बोल सकते हैं। टोटल मेरे 25 मार्क्स आए, उस हिसाब से 6 बैंड हुए। तो फिर ट्यूसडे को मैंने वही रूटीन फॉलो किया, वेनसडे को मैंने वही रूटीन फॉलो किया, और थर्सडे को भी मैंने वही रूटीन फॉलो किया, फ्राइडे को भी वही रूटीन फॉलो किया। अब बोलोगे आप सर सैटरडे और संडे क्या करना है, तो सैटरडे संडे में वापस से ये पांचों पांच पेपर लेता था जो मैंने मंडे टू फ्राइडे सॉल्व किए हैं, और उसमें से फाइंड मिस्टेक करता था और उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए वो मैं देखता था। तो आप यहाँ देखोगे बहुत सारे लोगों को एमसीक्यू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने देखा कि एमसीक्यू गिन के 4, 5 या 6 आ सकते हैं, बाकी के जो हमारे पास 35 मार्क्स है उसमें से तो हम ला ही सकते हैं, क्योंकि मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा उसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और लिस्ट ऑफ हेडिंग तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ये तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। फीलिंग्स भी आपको सबको आती ही होगी, फीलिंग्स में तो कुछ टेक्निक्स आपको बताई नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ आ जाता होगा जो होता है वो एमसीक्यू, वो बड़े वाले होते हैं। तो एमसीक्यू वाले में क्या होता है, पूरा का पूरा 4 या 5 ही एमसीक्यू आते हैं, वो मेरे को पता चल गया। सबसे ज्यादा देखो आप क्या आता है, तो सबसे ज्यादा सर देखो ये 10, 11, 12, 4, 7 एमसीक्यू आता है। फिर उसके बाद आता है ये फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स भी बहुत ज्यादा आती है। दूसरे वीक का देखो मेरे एवरेज, ये वीक का 28.2 हुआ एवरेज, मतलब ये सबका, और मेरा 6.5 बैंड बना था। सेकेंड वीक मैंने ऐसे लगाया है पूरा का पूरा मंडे टू थर्सडे, इसमें मैं फ्राइडे मेरा छूट गया था। ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, मैं डिसिप्लिन भी मेंटेन करता था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर हो जाता है। तो इसमें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग आए ही नहीं थे, फिलिंग द ब्लैंक्स देखो बहुत सारी आई थी, ट्रू फॉल्स बहुत सारे आए थे।
जिस इंसान को फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आ जाए उसको आराम से सिक्स बैंड आ सकते। एमसीक्यू देखो यहाँ भी 5, 3, 6, 8 कभी भी एमसीक्यू 6 से ज्यादा आएगी नहीं आपकी एग्जाम में, तो आप उसका मत टेंशन करो। मैंने बोला था फाइंडिंग्स, देखो यहाँ भी फाइंडिंग्स बहुत आते। तीन चीज आपको आनी चाहिए, एक तो आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिलिंग द ब्लैंक्स और फाइंडिंग्स। ये किसके लिए बोल रहा हूँ, जो 6 और 6.5 लाना चाहते हो, 7 लाना चाहते हो उसको तो सब करना पड़ेगा, 7.5, 7 लाना चाहते हो वो स्टूडेंट्स को तो क्या करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट आगे का मैं बता रहा हूँ कैसा होगा। तो आगे का देखो ये है मेरा रीडिंग का थर्ड वीक का, तो थर्ड वीक में भी आप देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग कितने आएंगे, 5-6 ही आएंगे। एमसीक्यू भी देख लो आप, इसमें एक कोई एक टेस्ट था उसमें 10, पर रियल एग्जाम में से 5 से 6 से एमसीक्यू ज्यादा नहीं आते। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ज्यादा आते हैं, फिलिंग्स बैंक्स ज्यादा आती है, और फाइंडिंग्स भी क्या होते हैं ज्यादा आते हैं। तो ऐसे डेली से क्या होता है कि आपको मोटिवेशन लगेगा कि नहीं एक दिन नहीं आया तो भी चलेगा, मेरे 6, 7, 6, 6.5 के अराउंड आते ही है। तो ये सबसे पहले आप ऐसे टॉपिक बना लेना और अच्छे से ट्राई करना। देखो फोर्थ वीक मेरा बैंड कहाँ चला गया, 7 चले गए, 7.5 चले गए, 7 चले गए, 7.5 चले गए। तो इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की, तो पूरा मेरे को पता चल गया। मेरे को लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं आता था, मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था। मेरे को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नहीं आता था, मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। एमसीक्यू नहीं आते, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और लास्ट वाले सेशन में मेरे 7.5 बैंड्स आए थे 36 वाले में, तो उसमें मैं क्या करता था, मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कोई दो ऐसे सेक्शन होगी ही जो इजी होते हैं, और जो थर्ड वाला हो मॉडरेट रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड वाला ही है, देखो मेरे थर्ड वाले में ही ज्यादा मार्क्स आए, 9 है, 10 है, 13 है, 11 है, 12 है। कभी कभी फर्स्ट वाला भी हार्ड आ जाता है, तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि हार्ड वाला सेशन कौन सा है, उसके बाद आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन करना है कि इस हिसाब से इसको इसको हम सॉल्व करना है। तो पहली तो मैंने टेक्निक बता दी कि आपको ऐसे टाइम टेबल बनाना है पूरा का पूरा। असेसमेंट देखो ये मैंने उसके बाद किया नहीं था, एग्जाम बुक करवा दी थी, तो आपको लास्ट में ऐसा असेसमेंट बुक बना देनी है पूरी की पूरी। देखो कोई में मेरे 5.5 भी आए हैं, 5 भी आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को मार्क्स कम आएंगे। लास्ट एग्जाम में तो भी मेरे 7 बैंड आ गए। तो सबसे पहले ये जो मैंने बताया उसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स लगे स्टूडेंट्स तो मेरे को बताओ, फिर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। कमेंट्स में मेरे को बताओ अगर तो कोई प्रॉब्लम्स लगे स्टूडेंट्स इसमें। तो ओके किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम नो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। यस मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे ही रहा हूँ, इसके बाद ही टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ आप सबको। नहीं है, हाँ यस मैं शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ को आपको, तो आप पीडीएफ में खाली क्या करना, अपने मार्क्स कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका भी हमें आप स्टूडेंट्स को बता दूंगा। ओके चलो, तो मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स को ले जाता हूँ, कैसे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करेंगे। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग में कितने कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पड़ता है मेरे को बताओ। लिस्ट ऑफ हेडिंग में कितने कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पड़ता है, अनमोल बोल रहा है कि मैंने 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे 6 बैंड ही आ रहे। तो हाँ अनमोल, मैंने जैसे टेक्निक्स बताई उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, आई एम प्रिटी श्योर कि आपके 7+ बैंड आएंगे, क्योंकि आप टेक्निक फॉलो नहीं करते हो। टेक्निक फॉलो करोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे अनमोल। ये जो मैंने टेक्निक्स बता रहा हूँ आज पूरा वीडियो आप 1, 2, 3 बार देख लेना, जब तक आपको समझ नहीं आए वो बता देना तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। चलो तो हेडिंग में क्या करना है, हेडिंग में मेरे पास 2 टिप्स है। पहली टिप से कि आप पूरा का पूरा क्या कर दो, रीडिंग कर लो। जैसे कि ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है, यहाँ पे मेरे को कितने 4 हेडिंग दिए हैं, उसके बाद पैराग्राफ 2 दिए,
तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के दोनों पैराग्राफ रीड करूंगा। जो दोनों पैराग्राफ रीड करने के बाद क्या करूंगा, उसका ये हेडिंग मैच करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा हेडिंग आ सकता है। ये पहली ट्रिक्स है। पहली ट्रिक्स मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला ई वाला सेक्शन पढ़ूंगा, फिर ये चार क्या करूंगा, रीडिंग में से फाइंड करूंगा कि इसमें से कौन सा सूटेबल है, और ये 100% वर्क करेगा ये फॉर्मूला। जैसे यहाँ लिखा है द साइंटिफिक कन्वेंशन फॉर जो भी है, पूरा का पूरा इंग्लिश, और उसमें पूरे हेडिंग कितने हैं, चारों चार, उसमें मैच सबसे ज्यादा करीबी कौन सा हेडिंग है वो चेक करना है हमको, बराबर। और ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी टेक्निक क्या है, तो दूसरी टेक्निक में आपको पहली दो लाइन पढ़नी है कि ये द साइंटिफिक कन्वेंशन फॉर नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म वर एस्टेब्लिश बाय द 18th सेंचुरी स्वीडिश बॉटनिस्ट। ये पहली लाइन में ही आंसर होता है, बहुत ज्यादा पहली लाइन में ही आंसर होता है, या फिर दूसरी लाइन में आंसर होगा। पैराग्राफ बड़ा होता है, ये खाली हमको एग्जाम्पल दिया है इसलिए छोटा है। पहली या फिर दूसरी लाइन में ही आंसर होता है, या फिर लास्ट वाली दो लाइन में ही हमारा हेडिंग का आंसर होता है। ये भी मैं 110% श्योर हूँ कि कोई भी आप उठा लो पैराग्राफ हेडिंग का, पहली और दूसरी लाइन में ही क्या होता है, फिक्स हेडिंग होता है, और या फिर लास्ट और दो लाइनों में फिक्स हेडिंग होता है। ये अगर तो आपको टेक्निक अच्छी ना लगे, तो मैंने जो फर्स्ट टेक्निक बताई, पूरा पूरा का पूरा क्या कर लो, पैराग्राफ पढ़ लो, उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, हेडिंग भी मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स भी मिल जाएंगे, नॉट गिवन भी मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा ये हेडिंग की ट्रिक्स। तो आप मेरे को बताओ हेडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, मेरी जो टेक्निक की बनाई हुई है वो अच्छे से आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा सब लोग। हेडिंग में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ मेरे को, ये हेडिंग की ट्रिक से। हेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। समरी, हाँ इंद्रजीत सिंह, मैं समरी करवा रहा हूँ। मैं पीडीएफ ये डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर में आपको लास्ट में सेंड करूंगा। वो व्हाट्सएप नंबर पे आप एक मैसेज कर देना, डियर हर्ष पटेल, तो वो व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्लीज डू इट हरी राइट अनमोल, मैं फास्टली कर दूंगा, लेकिन ये आपका पूरे 1 आवर्स का लेक्चर है, तो 1 आवर्स में मैं पूरा कर लूंगा। कंप्यूटर बेस्ड दी थी कि पेपर बेस्ड? मैंने पेपर बेस्ड एग्जाम दी थी। फिर क्या है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम है? हाँ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी मैं करवा दूंगा। फिर पेपर बेस्ड एग्जाम दी थी मैंने। टाइम मैनेजमेंट इज डिफिकल्टी फॉर मी, निर्मल सिंह, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बताया वैसे ही, डेली प्रैक्टिस आप करोगे तो 110% मेरी जो मेथड बताई है वो करवा दूंगा। समरी करवा दो सर, ठीक है, मैं समरी भी करवा दे रहा हूँ। ये जो एक पैसेज दिया है आपको, फिर से एक बार हेडिंग का समझा देता हूँ। पैसेज में क्या होता है, पैसेज में पूरे का पूरा ये पैसेज दिया है, वो पूरा पैसेज आपको क्या करना है, मैंने बोला ना फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन आप रीड कर लो, या फिर नीचे वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली लाइन रीड कर दो। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली रीड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर पूरी सम्मरी कर लो। सम्मरी में कैसे क्या करना होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सम्मरी कैसे करनी होती है, सम्मरी में कुछ नहीं करना होता है। पहले हम गुजराती या हिंदी में स्टोरी पढ़ते थे, जो गुजरात से उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। एक वार्ता आती थी, मतलब स्टोरी, एक राजा था, राजा ने ये किया, वो दो कौवे वाली स्टोरी आती थी। दो कौवे में एक दूसरे से क्या करते थे, झगड़ते रहते थे, तो उसमें वो एक लोमड़ी आया, वो उसकी क्या कर दिया, खाना लेके चला गया। तो लास्ट में आपको पूरा उसका मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ उसका सारांश क्या निकलता है उसके बारे में होता है। तो पूरा का पूरा आप वो पैराग्राफ में एक लाइन आप ऐसे देख लिया कि भाई ये वाली लाइन हेडिंग में मैच होती है, तो ऐसा मत करो,
ये वाली लाइन हेडिंग में मैच हो रही, उसका मतलब ये नहीं है कि यही हेडिंग आएगा। पूरे पैराग्राफ किया जो जोड़ है, पूरे पैराग्राफ का जो निचोड़ के हमको आंसर लेना है कि इसमें से क्या आ सकता है, वो करना है आपको। ऐसा नहीं कि दो लाइन मिल गई तो वही का वही आएगा आपको। बराबर, गुजरात से हूँ मैं स्टूडेंट्स, तो गुजरात से अच्छा है, मैंने फेल कॉम्प्लीमेंट होता है, नीचे राइट आंसर होता है, बट कॉम्प्लिकेटेड, हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो हेडिंग हो गई थोड़े बहुत स्टूडेंट्स, आई मीन शेड्यूल, हाँ शेड्यूल मैं आपको भेज दूंगा, मैंने बताया है। एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी आपको क्या करनी है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी वो, रीडिंग वैसे तो हो जाती है बट मॉक टेस्ट में नहीं होती। मॉक टेस्ट में नहीं होती बिकॉज आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते होगे, और या फिर मॉक टेस्ट में आप हेजिटेशन करते होगे। तो हम सेकंड पे जाते हैं, रीडिंग में ऐसे ट्रिक्स और टिप्स थे, अब मैं रीडिंग्स के हेडिंग्स के बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। हेडिंग्स के बाद होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या करना है, तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बहुत ही इजी है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन दोनों एक साथ में बता देता हूँ। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में सबसे पहले आपको ट्रू वाला सेंटेंस है वो एकदम परफेक्टली देखना होता है। कभी कभी हम ट्रू वाले में फॉल्स आंसर लिख देते और नॉट गिवन लिख देते। ट्रू वाला सेंटेंस आपको देख के फाइंड करना पड़ता है कि ये वाला सेंटेंस हमको परफेक्टली मिला है, क्योंकि कभी कभी उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि शुड होता है, कैन हो सकता है, या फिर मस्ट नहीं होगा, कभी भी विल होगा। परफेक्टली आपको क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बताए ऐसे सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस में हम ट्रू नहीं लिख सकते। प्रीटी श्योर सेंटेंस हो, परफेक्टली ऊपर का जो का वो दिया हो, तो उसी में हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते। फॉल्स वाले सेंटेंस में क्या होगा, याद रखना ऑलवेजली फॉल्स मतलब ऑपोजिट। फॉल्स मतलब क्या होगा, ऑपोजिट। जैसे मैंने ब्लैक बोला तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, व्हाइट होता है। जैसे मैंने बोला कि कोई स्टूडेंट से बहुत ही क्या है, डल है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ब्रिलियंट। मतलब कि पूरा ऑपोजिट सेंटेंस आए तो ही फॉल्स यूज करने का, वरना फॉल्स यूज नहीं करने का। जैसे कि कोई बोलता है राम खाना खाने जा रहा था, और दूसरा स्टूडेंट बोल रहा था राम ने खाना खा लिया था, तो दोनों में कोई समांतर नहीं है। खाना खाने जा नहीं रहा था, जा नॉट लगे, या फिर नॉर लगे, या फिर नाइधर लगे, तो ये सब सेंटेंस में आपको फॉल्स लगाना है। उसके सिवा वाले सेंटेंस में कभी भी आपको फॉल्स लगाना नहीं है। नॉट गिवन वाले सेंटेंस में क्या होता है, तो नॉट गिवन वाले के लिए एक मैं मास्टर ट्रिक बता रहा हूँ सब लोगों को। ये मास्टर ट्रिक ये है नॉट गिवन वाले की, के दो कंपेरिजन हो, जैसे कि राम और श्याम के बारे में कंपेरिजन दिया हो, दो कंपनी का कोई कंपेरिजन दिया हो, दो गर्ल्स का कोई कंपेरिजन दिया हो, दो आइटम्स का कोई कंपेरिजन दिया। जो कंपेरिजन वाले सेंटेंस होता है उसमें 90% आंसर नॉट गिवन आता है स्टूडेंट्स। कंपेरिजन वाले सेंटेंस में 90% आंसर क्या आता है, नॉट गिवन ही आता है। 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंपेरिजन में क्या आएगा, नॉट गिवन ही आएगा 110%। में ये लिख के देता हूं आपको, याद कर लेना। जो भी कभी भी आप अभी भी जब प्रैक्टिस करो रीडिंग की, दो चीजों के कंपेरिजन आएगा तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गिवन आ जाएगा। फॉल्स क्या आएगा, तो फॉल्स मैंने जैसे बोला है, पूरा का पूरा ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो सामने अगर तू रीडिंग वाले पैराग्राफ में लिखा है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं मोबाइल है, तो मोबाइल है उसका मतलब ये नहीं है कि फॉल्स है, बिकॉज ऑफ ऐसा थोड़ी उसने बोला है कि लैपटॉप नहीं है। जहां लैपटॉप नहीं है ऐसा बोला हो और क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि लैपटॉप है, तब फॉल्स लिखना है पूरा का पूरा। पूरी एक्सरसाइज में नहीं करवा सकता मैं, यहाँ ट्रिक्स और टिप्स ही बता सकता हूँ, बिकॉज आप पूरी एक्सरसाइज करवाने जाएंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। और अगर तो आपको पूरी एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो केबी मैम बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं रीडिंग का क्लास,
आप रीडिंग वाली बैच क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ हेडिंग में पूरा टॉपिक्स बताया जाएगा, ट्रू और फॉल्स में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके बताई जा सकती है। आप मेरी बात समझो, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा करवाने जाऊंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, हमारे ये जो ट्रिप्स बताने वाला हूँ, टिक्स बताने वाला हूँ, वो क्या हो जाएगा, अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं खाली ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्लास अगर तो लेना है तो मैं दूसरी क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। पैराग्राफ में लोकेशन नहीं मिलती, अगर लोकेशन मिलती है तो आंसर नहीं मिलता। तो ये तो आपका आपने रीडिंग बहुत कम सॉल्व की होगी, या फिर आप रीडिंग कंसंट्रेशन से नहीं करते होगे तो ये प्रॉब्लम होता होगा। मोनिका भगत बोल रही है कि आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा मोनिका, तो आप अच्छे से कर पाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। फॉल्स एक बार रिपीट कर दो। फॉल्स में ऐसा है डियर, फिर से मैं बता दे रहा हूँ फॉल्स कैसे होता है। अगर तो क्वेश्चन में वही का वही आंसर नेगेटिव फॉर्म में नीचे हमको क्वेश्चन में दिया है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा फॉल्स लिख सकते हैं। अगर तो हमको नेगेटिव आंसर दिया ही नहीं है, वो आंसर दिया ही नहीं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, मेरे पास एक मोबाइल है, राइट है, और उसके बाद आंसर में क्वेश्चन में ये लिखा है कि मेरे पास लैपटॉप है, तो ये मोबाइल वाली कहानी और लैपटॉप वाली कहानी दोनों डिफरेंट हो गई। कोई स्टूडेंट्स क्या करता है, मोबाइल और लैपटॉप डिफरेंट है तो फॉल्स लिख देता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर तो पैराग्राफ में ऐसा साफ साफ लिखा हो मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो ही फॉल्स करना है, वरना आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, वो चीज है। तो अब मेरे को सब स्टूडेंट्स बताओ कि मेरे को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन में क्या, अगर दूसरी कोई चीज आपको पूछनी हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। नॉट गिवन्स की ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बता दिया है। नॉट गिवन्स का ब्रह्मास्त्र क्या है कि दो चीज कब कंपैरिजन करने वाली आए तो आपको नॉट गिवन आंसर लिख देना है। जब भी दो चीज आपको कंपैरिजन वाली आए तब नॉट गिवन लिख ही देना है। टाइम मैनेज नहीं होता है गुरप्रीत कौर, मैंने जैसे आगे ही बताया मोनिका को, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टॉपवॉच एक खरीद लो आप, बहुत ही सस्ती आती है, 100-200 रुपए की स्टॉपवॉच लगाओ आपके सामने और आप एक सेशन कितने मिनट में पूरा करते हो वो देखो। टाइम मैनेजमेंट वाले जितने भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, वो एक स्पोर्ट्स की शॉप पे जाओ, स्पोर्ट्स की शॉप से आप 200 रुपए का स्टॉप वॉच खरीदो और स्टॉप वॉच खरीदने के बाद आप सेक्शन वाइज टाइम नोट करते रहो कि कौन से सेशन में आपको टाइम कम पड़ रहा है। कोशिश करना कि फर्स्ट सेशन में आपको 15 मिनट कंप्लीट हो जाए, सेकंड 15 मिनट, थर्ड 15 मिनट, या फिर आप सब में 17-17 मिनट कर सकते हो। आर्या पटेल बोल रहे हैं कि मेरा 5.5 ही आता है रीडिंग में, 6 नहीं आता है। तो 5.5 आता है, मैंने जैसे बोला ये टाइम टेबल मैंने जो, अगर आप नहीं हो तो स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना, स्टार्टिंग में क्या है टाइम टेबल आप फॉलो करो सबसे पहले, उसके बाद आप क्या करना है पूरा का पूरा ये जो मैं ट्रिक्स और टिक्स बताता हूँ उसका वीडियो आप फिर से यूट्यूब पे आ जाएगा तो एक बार देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। जोड़ बोलता है हाँ जी, पर कड़े कंपैरिजन वाले दी आंसर ट्रू भी होते हैं। हाँ सही बात है, कंपैरिजन वाले आंसर कभी कभी सही भी होते हैं। मैंने क्या बोला, कंपैरिजन वाले में आपको अगर तो ना मिले वो आंसर तो आपको नॉट गिवन लिख देना है पूरा का पूरा, पर मोस्ट ऑफली कंपैरिजन वाले आंसर होते हैं वो 90% नॉट गिवन ही होते है। या एक बार पढ़ने था पढ़ेरा और देखिए कि बात कंपैरिजन देता है कि नहीं है, फिर नॉट गिवन लिखियो। यस राइट, परफेक्ट बोला तुमने जोट। और सब स्टूडेंट्स का तो हिंदी में टाइप कर सकते हो का गुजराती में, बिकॉज मेरे को थोड़ा पंजाबी समझ में नहीं आता तो मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, इसलिए हेडिंग्स का मैंने बता दिया है, आप आगे देख लो, आप लेट आए हो जस्ट। और
चलो अब आगे हम जाते हैं फिलिंग द गैप्स। फिलिंग द गैप्स में तो आपको राइट लोकेशन फाइंड करना पड़ता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में तीन चीज आती है, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड की आती है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू वर्ड की आती है, और फिलिंग द ब्लैंक्स थ्री वर्ड्स की आती है। तो जो वन वर्ड और टू वर्ड की आती है वो बहुत ही इजी आती है फिलिंग द ब्लैंक्स, लेकिन जो थर्ड वर्ड होती है मतलब तीन वर्ड लिखने पड़ते हैं उसमें, एटलीस्ट तीन वर्ड, तो तीन वर्ड में पूरा का पूरा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो आपको चूज करना है कि कौन से तीन वर्ड लिखने। जैसे मैं सब चीज आज हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ट्रिक से, ये मैं आपको रीडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ। टिप्स का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट्स होता है जिससे आप मार्क इंक्रीज कर पाते हो। वो बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में बहुत सारा बड़ा फॉर्मूला होता है और एक छोटा सा एक आपको क्या दी जाती है, छोटी सी शॉर्टकट दी जाती है जिससे आपके मार्क्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा रीडिंग सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको खाली उसकी ट्रिप्स दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप पिक्स और ट्रिप्स यूज करो तो आप अच्छे से क्या हो सकते हैं, मार्क्स आ सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में जो थ्री वर्ड वाले होते हैं वो समझा रहे। तो थ्री वर्ड वाले में क्या करना है, आपको राइट लोकेशन फाइंड करना है, और उसके बाद जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स भरो तीनों के तीनों वर्ड, उसके बाद उसका ट्राई करना है गुजराती या हिंदी लैंग्वेज में। आप मान लो कि जो मेन वर्ड है वो मेन वर्ड ही आपने नहीं लिखा है थ्री वर्ड्स में, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, गुजराती करना है उसका पूरा का पूरा, जो भी आपकी फीलिंग्स ब्लैंक्स है, या फिर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा हिंदी करना है। ये अगर तो आप करोगे तो आसानी से आपके क्या होते जाएंगे, मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे और थ्री वर्ड की क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा मिलेगा। टिप्स यही है कि राइट लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, उसके सिवाय कोई ट्रिक्स या टिप्स है नहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। फिलिंग द ब्लैंक सबको आता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है, हाँ, ब्रह्मास्त्र। भाई नॉट गिवन है, ब्रह्मास्त्र एक शस्त्र था जो रामायण और महाभारत में भी यूज होता था, और ब्रह्मा जी के वरदान से वो मिलता था। बहुत ज्यादा मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र मतलब किसी भी चीज का तोड़ होता है, कोई भी इंसान को मार सकते हैं इससे, इसलिए मैंने ब्रह्मास्त्र बोला है। नवजोत कौर, शायद आपने रामायण महाभारत देखी हो तो पता हो। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या करना है, सबसे टफेस्ट, मेरे लिए भी ये टफ था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये इजी होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सर सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने, देखो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताता हूँ, 127 पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 127 पे कर देता हूँ मैं। स्टूडेंट्स जो भी हो आप मेरे को मैसेज करो, समरी कंप्लेनेशन जिसमें हिंट दिए होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम, यस वो वाला भी मैं करवाऊंगा। समरी जो मेरे को मोनिका ABCDEFG तक आते हैं वो भी होता है। हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन ईच पैराग्राफ सर, मैं सब पैसेज पे 17-18 मिनट स्पेंड करता था। फिर ओके चलो, तो MCQ में क्या है, MCQ में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करनी है MCQ में, कि कोई दो आंसर तो एकदम रॉन्ग ही होगे, मतलब गप्पे मारे होगे कि भाई ये दो तो आ ही नहीं सकते, मान लो A नहीं आ सकता है, D नहीं आ सकता, ये तो भाई टॉपिक के बाहर ही है, बाउंड्री के बाहर ही बॉल है, इसको कुछ तो क्या करना है, कुछ छूना ही नहीं है। आंख बंद करके भी ये दो आंसर तो आ ही नहीं सकते, ए और डी। अब बचा क्या सर, अब बचा बी और सी। तो बी और सी में जो सबसे रिलेवेंट लगे आपको, कि मान लो कि ये जो ऑप्शन दिया है MCQ का, उसका सबसे रिलेवेंट ऑप्शन बी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलेवेंट ऑप्शन बी लिख देना है, और उसके बाद ऑप्शन कौन सा लिख देना है, सी वाला लिख देना है। तो आपको चेक करने का, अच्छा मैं अगर तो ये क्वेश्चन पढ़ू तो सबसे रिलेवेंट कौन सा लगता है, बी लिखता है या सी, और सबसे ज्यादा पैराग्राफ में कौन सी चीज दी है, तो सबसे ज्यादा पैराग्राफ में मेरे को बी दिया है, या फिर सबसे ज्यादा पैराग्राफ में मेरे को सी दिया है, तो मेरे को आंसर वो पर्टिकुलरली चूज कर देने का। लेकिन MCQ में एक टेक्निक ये है कि दो चीज एलिमिनेशन हो जाएगी,
का तो वो जो दो ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएंगे तो दो ही ऑप्शन रहेंगे। अब वो दो ऑप्शन में से क्या करना है, सबसे रिलीवेंट ऑप्शन जो सबसे ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन उसका अर्थ हो रहा है, कि कोई क्वेश्चन का वो बोलते हैं ना कि पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर ये आता है, तो रिलीवेंट सबसे ज्यादा होता है वो लिख दो, तो एमसीक्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब एमसीक्यू में कोई स्टूडेंट्स मेरे को बताओ कि क्या क्या करना है क्या नहीं आता है, तो एमसीक्यू भी मैं करवाते जाऊं एमसीक्यूज में। सिमरन प्रीत बोल रही है यस मेरा लिए, क्या भाई ओके स्टूडेंट्स आप मैसेज कर सकते हो एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं तो हम आगे का करवाते। एमसीक्यू में कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है या नहीं है, ओके किसी ने मैसेज नहीं कर रहे तो एमसीक्यू उसमें आगे मैं करवाता हूँ फिर, जीरो प्रॉब्लम है नरेश ने बोला है, ओके हो गया। फिर से मैं एमसीक्यू एक बार रिपीट कर देता हूँ, एमसीक्यू में ये होता है स्टूडेंट्स के पहले आपको दो एमसीक्यू हुए उसमें से दो ऑप्शन को क्या करना है एलिमिनेट कर देना है, उसके बाद आप लोगों को क्या कर देना है पूरा का पूरा जो रिलीवेंट जो दो ऑप्शन बचे वही आपको क्या करना है सॉल्व करना है अच्छे से, तो आपके एमसीक्यू क्या हो जाएंगे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टूडेंट्स आगे का करवाते, फाइंडिंग्स में क्या आएगा वो सब स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, फाइंडिंग्स में क्या आएगा, तो सबसे पहले फाइंडिंग्स में ये आएगा कि आपको फाइंड करना है और वो बहुत इजी होता है, फाइंडिंग्स होता है वो इन्वर्टेड कोमा में होता है, याद रखना शॉर्टकट लिख लो आप, ये भी ब्रह्मास्त्र वाली शॉर्टकट है, इन्वर्टेड कोमा में आएंगे जो भी कोई सेंटेंस बोलता होगा ना, इन्वर्टेड कोमा यानी पता है ना दोनों साइड वो ऊपर वाले कोमा आएंगे वो, तो वो दोनों साइड इन्वर्टेड कोमा में वो सेंटेंस जिसने बोला है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये जो मैंने बोला है वो सेंटेंस ऑलवेजली इन्वर्टेड कोमा में आएंगे, ये याद रखना है पहली चीज, तो ये फाइंडिंग्स में ये काम में आएगा। अब दूसरे कोई स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे सर वो समरी वाली आती है टॉपिक, तो समरी वाले में क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं होता है कि मान लो पहले पैराग्राफ में से आंसर दिया है लास्ट में पैराग्राफ में से आंसर दिया है, तो अलग अलग जगह से आपको क्या देता है समरीज में आंसर दिया होता है, तो अलग अलग जगह से समरीज में आंसर दिया होता है तो क्या होता है फाइंड करने में सॉल्यूशन में पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को क्या हो सकता है आ सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं वो फास्टली फास्टली मेरे को कमेंट कर दो कि सर हमको समझ आ रहा है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए फटाफट, तो मेरे को आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, आपको ट्रिक्स और टिप्स बताने में इंटरेस्ट आएगा। तो सब लोग स्टूडेंट्स मेरे को बताओ कि ऊपर वाले जितने भी मैंने करवाए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यस नो नॉट गिवन फिलिंग द ब्लैंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो सब समझ में आ गया कि किसी में कोई क्वेश्चन है, फाइंडिंग्स में कोई क्वेश्चन है, कोई लोग समरीज बोल रहे थे तो समरीज में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि समरीज में क्या करना है, तो समरी में बताना है कि पूरा का पूरा सॉल्व करना है। वाइट हिल म्यूजिक स्टूडियो ने बोला वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, और कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग है, थैंक यू सुखविंदर सिंह, यस सर अमन वेरी गुड, मोनिका यस ओके स्टूडेंट्स। तो फाइंडिंग्स में आपको सबसे पहले क्या करना है पूरा का पूरा, मैंने दो चीज बताई, पहले तो इन्वर्टेड कोमा में होगा, ये जो इन्वर्टेड कोमा में है वो वाले सेंटेंस क्या कर लो आप देख लो भाई किसने बोला है, इन्वर्टेड कोमा का कॉपी आंसर मिल ही जाएगा बराबर। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपने कोमा की बात की वो रिपीट कर देना, सॉरी मैंने लिस्ट ऑफ हेडिंग में नहीं की है स्टूडेंट्स, मैंने फाइंडिंग में बोला है, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कोमा नहीं आएगा फाइंडिंग्स में आता है, ऐसे सेंटेंस नहीं होते कि ये किसने सेंटेंस बोला था, दो चार साइंटेंस के नाम दे देते या फिर दो चार कंपनी के बारे में बता देते है तो वो होता है। समद वोरा कंफ्यूजन होता है, किसमें कंफ्यूजन होता है समद,
फाइंडिंग्स में तो मैंने बताया ना, फाइंडिंग्स में इन्वर्टेड कॉमा में, फाइंडिंग्स में इन्वर्टेड कॉमा में होगा, और इन्वर्टेड कॉमा जहां खत्म होता होगा वहां वो साइंटिस्ट का नाम लिखा होगा कंप्लीट। आपको देख लो पूरा का पूरा, मैं आपको एक डेमो भी बता देता हूँ। चलो अब इतना आप बोल ही रहे तो 159 पे आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं एक आपको डेमो बता देता हूँ 159 पे। ये तो कंपनी के नाम है सब, इन्वर्टेड कॉमा वाला पैराग्राफ होगा और सब में नहीं होता है। जैसे देखो ये साइंटिस्ट के नाम लिखे, एडोन हेली, जॉन काम्स केपलर, जूलियन लेटर, जॉन फ्रेंस, वो सब क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा में होता है। डिफिकल्ट वर्ड्स का क्या करें भाई, डिफिकल्ट वर्ड का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। करंटली क्या थी छे भाई, भाई मैं अहमदाबाद से हूँ, वो कॉमा वाला रिपीट कर दो, कॉमा वाला होगा यही बता रहा हूं मैं, कॉमा वाले, ये सब साइंटिस्ट का नाम लिखा होगा, ये सब सेंटेंस होंगे, वो सेंटेंस ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में पैराग्राफ में होंगे, वो पैराग्राफ जैसे इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा वैसे ही लिस्ट ऑफ पीपल का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेम आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेम आ जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होगा और इन्वर्टेड कॉमा खत्म होते ही ये कोई साइंटिस्ट का क्या हो जाएगा, नेम आ जाएगा, तो आपको फाइंड करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलो डिफिकल्ट वर्ड्स का क्या करें, डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको नोटबुक्स में बनाना है, ये वर्ड्स को मेरे को सिनोनिम्स फाइंड करने, ये करने वो करने, वो सब क्या करने आपको सॉल्व करने, उसका कुछ हम दूसरा नहीं कर सकते। कंप्लीटिंग सेंटेंस बहुत ही इजी है आप लोगों को, तो कंप्लीटिंग सेंटेंस का आपको तो कंप्लीट करना है, बहुत इजी तरह से हो जाएगा जैसे ही मैंने आगे बताया वैसे। तो अब पूरे के पूरे रीडिंग्स में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो कि मेरे को सर ये ट्रिक्स और ये टिप्स में समझ में नहीं आया। बाकी डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मोटिवेशनल रखना है, हाउ टू पैसेज अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव। हाँ तो भाई पैसेज अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजी से हो जाता है। देखो कोई दो पैराग्राफ तो ऐसे होगी जिसमें आप 10+ मार्क्स ला सकते हो। देखो मैं 6 बैंड लाने का एक इजी तरीका बताता हूँ, टोटल 3 पैराग्राफ है, उसमें से कोई एक पैराग्राफ में 10 मार्क्स ला दो, पहले वाले दूसरे वाले तीसरे भी आपको जो अच्छा लगता है, और दूसरे में 9 मार्क्स ला दो तो 10 और 9 कितने हो गए, 19 हो गए। अब आपको 23 लाना है तो 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे थर्ड वाले में, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। कोई एक पैराग्राफ में 10 लाना है, कोई एक और पैराग्राफ में 9 लाना है, बाकी वाले थर्ड में तो 4 मार्क्स आ ही जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए LOL प्ले आपको पूरे का पूरा रीडिंग सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने 150 से 200 रीडिंग सॉल्व की है और मैं बुक भी रीडिंग उसके बाद इम्प्रूवमेंट करना चालू किया था तो मेरे को ऐसे ही समझ में आ गया था। संदीप कौर, आर कैम्ब्रिज बुक्स आर इनफ फॉर प्रिपरेशन? यस, वो कैम्ब्रिज बुक है वो इनफ है, बट क्या बोल सकते हो आप कि पूरा का पूरा जो कैम्ब्रिज पद जाए तो उसके बाद बहुत सारे वेबसाइट पे पेपर्स होते हैं तो आप सॉल्व करना, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर्स होते हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी मेरे को अच्छी लगती है, जो मैंने आप सबको साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये वाली चीज आपको, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनना सब स्टूडेंट्स, और हो सके तो आपके सब स्टूडेंट्स को बताना भी ये जो आपको मैं नई वाली चीज बता रहा हूँ। ये जो बुक्स है वो केबी मैम ने प्रिपेयर की है, वो बुक्स में आपको, ये राइटिंग की बुक्स है, अभी मैं रीडिंग का टिप्स दे रहा था लेकिन ये राइटिंग की बुक बहुत ही बढ़िया है। मैंने राइटिंग की दोस्तों आप मानोगे नहीं, सेक्शन टू ही लिखा है, सेक्शन वन लिखा ही नहीं है। मतलब कि मैंने जब एकेडमिक की एग्जाम दी थी तब मैंने रिपोर्ट लिखा ही नहीं है, खाली ऐसे लिख के आया हूँ, बावजूद मेरे 6.5 बैंड्स आ गए राइटिंग में, टास्क वन मैंने लिखा ही नहीं है, और सही में नहीं लिखा है, आप मेरा विश्वास नहीं करोगे मेरे को पता है, लेकिन मैंने
आप जो बोलो उनकी कसम, बट मैंने टास्क वन लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने टास्क टू ही लिखा है। और टास्क टू मेरा इतना अच्छा था, क्यों अच्छा था, क्योंकि मैंने ये बुक जो हमको पीडीएफ मिलती थी केबी मैम से, वो राइटिंग की पूरी बुक से ही मैंने आपको क्या कराया, इम्प्रूव करवाया। देखो ये पूरी बुक से मैंने कैसे इम्प्रूव किया, तो मेरे को पहले बोथ व्यूज, एग्री एंड डिसएग्री टू व्हाट एक्सटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, प्रॉस एंड कॉन्स, हाइब्रिड, डबल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, तो ये सब टॉपिक्स है ऐसे के। तो ऐसे के टॉपिक से ये मैम ने पूरी बुक बनाई। एकेडमिक टास्क वन में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, टेबल ग्राफ, मैप ग्राफ, प्रोसेस, उसके बाद जनरल राइटिंग का भी एक टॉपिक बनाया। तो ये बुक में मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, ये बुक में मेरे को क्या करता था, बड़ा अच्छा लगता था। ये बुक देखो आप, पूरा का पूरा ये सब एकदम परफेक्ट वॉइस, और यहाँ पे नीचे वैरायटी ऑफ सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बैच है, वेदर, इवन दो, साइंस, सिंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ, डिस्पाइट, रादर देन, ऑल दो, अनलेस, ये सब की सब। तो ये कंस्ट्रक्शन की पूरे के पूरे जो भी हमको जैसे ही स्ट्रक्चर बनाने हो, वैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की एक बैच है जो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। 19वां एग्जाम है, रीडिंग के लिए क्या बेस्ट है, आप रिवीजन करो डेली, एक एक टेस्ट दो स्मिथ पटेल, और मुझे शेड्यूल, हाँ मैं शेड्यूल आपको दे दूंगा, मैम के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। क्यू कार्ड्स की कोई टिप्स दो, क्यू कार्ड मैम के क्यू कार्ड्स खरीद लो, आप अच्छे से पास हो जाओगे। क्यों सर, मतलब क्या पूछ रहे हो, डीएस मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो ये वाली रीडिंग, ये वाली जो राइटिंग की पीडीएफ है वो बहुत ही बेहतरीन है, आप परचेज करो और अच्छे से प्रिपेयर करो। और आपको चाहिए तो मैम का ये नंबर है KBILTS 9 +91 788 91 324 24, ये वाला नंबर है। दूसरा पूरा का पूरा देखो, एडवर्टाइज में ये रहा, आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज और, ये है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जो क्लास है, 22 टाइप्स के जो सेंटेंस है, तो वो 22 टाइप्स के सेंटेंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। 500 की अभी तो बैच क्या हो गई है आपकी, ये खत्म हो गई है, पर नेक्स्ट बैच जब भी मैम चालू करेगी तो आपको बताएगी। लाए ध्यान से सुनना, बिना टास्क वन लिखे, तो आप सब लोग भी आप मैम को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। लिसनिंग एमसीक्यू टिप्स की मैं अगली बार लिसनिंग का टिप्स दूंगा। अब कोई स्टूडेंट्स को मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो स्टूडेंट्स मेरे को क्या कर सकता है, पूछ सकता है, मैं उसको आंसर दे देता हूँ सब चीजों का। कोई स्टूडेंट्स मेरे को कुछ भी पूछना चाहिए वो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हो मेरे को, आप कोई भी क्वेश्चन हो। कंप्लीटिंग सेंटेंस के बारे में बता दो, कंप्लीटिंग सेंटेंस में ये है स्टूडेंट्स कि आपको आंसर वो मिल ही जाएगा, आधा सेंटेंस होगा उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखा हो, मतलब एक पूरा सेंटेंस आपको मिल ही जाएगा। निर्मल सिंह, यस ऑफ कोर्स, नवजोत कौर हम बनाएंगे लिसनिंग पे भी एक पूरा का पूरा। आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जिससे सब लोगों को मिले, सब लोगों को अच्छा लगे वो बोले। हाउ मेनी रीडिंग वी शुड डू इन वन डे, एक दिन में एक ही करना है, उससे ज्यादा नवजोत नहीं करना है डियर। एक रीडिंग हो गया उसका सॉल्यूशन करो, नंबर ऑफ रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन करो, एक दिन में एक ही रीडिंग सॉल्व करो, बट अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल बताया वैसे ही आप सॉल्व करो, अच्छे से हो जाएगा। और कोई स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछना है डियर, 48 स्टूडेंट्स लाइव है अभी, जब स्टार्टिंग में थे तब 100 थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लंबा लेक्चर हो गया हमारा तो बहुत सारे जाते हैं, तो बताओ कोई सर को, सर आपने क्यों टास्क वन अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ मैंने टास्क वन इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे को तब टाइफॉइड था और मैं बैठने का भी प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लमेटिक था समझ जाओ आप, तो उसमें मैं टाइम लिख ही नहीं पाया टास्क वन, बिकॉज अब मैंने 20 मिनट की ब्रेक भी ली थी इसलिए मैंने टास्क वन नहीं लिखा था।
अर्शदीप बोल रहे हैं सर रीडिंग का स्कोर 5 में से इम्प्रूव नहीं हो रीडिंग। हाँ तो एक काम करो आप मेरे को मैंने जो भी ट्रिप्स बताई वो बताओ, उसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर है मैम का आपको बताइए, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करो मैं आपको पर्सनली सॉल्व कराऊंगा। अंकित कॉल बोल रहा है सर राइटिंग की क्लास 15 डेज के लिए फीस कितनी है, वो आप मैम को पूछ सकते हो कि मैम का नंबर है उस हिसाब से। स्पीकिंग इम्प्रूव कैसे करें, स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको स्पीकिंग करनी जरूरी है, डेली मिरर के सामने आप बोलो, डेली 2 से 3 क्यू कार्ड आप सुनाओ, कोई IELTS का फैकल्टी हो या फिर IELTS का थोड़ा बहुत नॉलेज हो ग्रामर का वो इंसान को। हाउ टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग इन रीडिंग, लवजीत बोल रही है, लवजीत इसमें ऐसा होता है रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग आपको एक ही एक्सपीरियंस से आएगा, वो एक्सपीरियंस से कैसे आएगा आपको सॉल्व करना है, वो ना आए तो आपको गूगल कन्वर्ट करके या फिर गूगल को जो इंग्लिश का हिंदी या इंग्लिश का गुजराती जो भी आप हो या पंजाबी जो भी हो आप उसको कन्वर्ट करके समझा करो। सर ग्रुप में सेंड कर देना टाइम टेबल, यस ऑफकोर्स मैं ग्रुप में कर दूंगा नवजोत, केबी फैमिली वाले में, ओके मैं केबी फैमिली वाले में कर दूंगा। समरी किसकी समरी चाहते हो, अब समरी इतना सारा तो रीडिंग करवा दिया स्टूडेंट्स मैंने, और क्या चाहिए आपको, इससे आप कर लोगे 7+ मेंट आएंगे मेरे को याद करोगे आप, केबी मैम को बोलोगे सर ये सर का नंबर दो पक्का वाला आ जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, कितना भी हमारे मार्क्स हो गए पूरे लोग बहुत सारे लोग इतना सारा कर रहे हम लोग खाली IELTS पास नहीं कर सकते, बड़े होशियार लोग हैं सबके सब, सब कर सकते हैं IELTS आराम से हो सकता है। डीमोटिवेशन कभी नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है कि हमारे 6.5 6 आ जाए 7 बैंड आ जाए आराम से आएंगे। राइटिंग में मैंने बोला ना ये आप लोगों को कि ये जो मैंने अभी दिखाया वो आप बुक परचेस कर लो, राइटिंग की बहुत ही बढ़िया राइटिंग की बुक है, रीडिंग बेस्ड बुक नाम, रीडिंग में कोई बुक मैं सॉल्व नहीं करता था, जहां से कोई रीडिंग का मटेरियल मिल जाए वो मैं उठा लेता था। यस मैंने सेकंड टाइम दी है, फर्स्ट टाइम में मेरे 5.5 बैंड आए थे रीडिंग में, सेकंड टाइम में 7 बैंड आए थे रीडिंग में। चलो तो स्टूडेंट्स हम अब क्या करते हैं पूरा का पूरा सेशन क्लोज करते हैं पूरा, क्योंकि इसके बाद भी मेरा एक काम है, वर्क है, लेक्चर है आप। तो स्टूडेंट्स अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते, जब टाइम लगती हो तो तुम कंप्लीट होने का प्रेशर रहता है, अगर बिना टाइम तो हाँ तो टाइम का तो बेटा मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा ना गुरप्रीत कौर, क्योंकि बिना मैंने बोला ना जो भी लोगों को टाइम का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग एक स्टॉपवॉच खरीद लो, स्टॉपवॉच 200 रुपए की आती है, वो स्टॉपवॉच से क्या करो पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि स्टॉपवॉच आप राइट प्लेस पे करो, पहले के पैराग्राफ में 13 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, तो आपको करना है उसको टाइम को धीमे धीमे क्या करता जाना है कम करते जाना है। बहुत सारे लोगों ने लगा है, थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही शांति से अच्छे से समझा मेरे को, मेरी ट्रिक्स को बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए मैं भी आपको बहुत थैंक यू बोलता हूँ, और मैं इतना श्योर हूँ कि अभी भी कोई भी स्टूडेंट होए तो उसको आराम से 6.5 या 7 तो दिला ही सकता हूँ। आप लोगों को करना क्या है, मैंने जितनी टेक्निक्स बताई है वो टेक्निक्स का क्या करना है पूरा का पूरा सॉल्व करना है दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं लास्ट में फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वाले नंबर पे आप मेरे को मैसेज करना कि मेरे को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये वाले मैसेज कर देना नंबर पे, मैंने फिर से शेयर कर दिया है 7889132424। तो ये नंबर से क्या कर दो आप मैसेज कर दो। अंकित कॉल आप फीस का मैम से, ये नंबर पे आप सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब स्टूडेंट्स को ये नंबर पे क्या मिल जाएगी, सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों चलो हम इतने तक ही रखते हैं और आगे का हम ट्राई करूंगा मैं लिसनिंग का आपको लेक्चर देने की, और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा पूरा। तो चलो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।